हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि कौन से बर्तन में पानी ज्यादा समाता है और कौन से बर्तन में पानी कम समाता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं राजू और मीना क्या कर रहे हैं और किस तरह वो पता लगा रहे हैं। राजू और मीना ने चार बर्तन लाए, एक बाल्टी, एक ग्लास, एक पतीला और एक जग। उन्होंने एक एक करके पानी भरना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने ग्लास की मदद से जग में पानी भरा, फिर नोट कर लिया कि कितने ग्लास पानी जग में समाया है। फिर पतीले में उन्होंने ग्लास के जरिए पानी डाला, उसे भी नोट कर लिया कितना पानी समाया है। अब आती है बाल्टी की बारी, तो बाल्टी को भी उन्होंने ग्लास की मदद से भर लिया। तीनों ही चीजें भरते वक्त उन्होंने एक ही ग्लास का इस्तेमाल किया। भरने के बाद अब मीना ने राजू से पूछा कि बताओ किस बर्तन में ज्यादा पानी समाया है तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक। तो राजू ने कहा कि उसे लगता है कि जो लाल बकेट है, जो दिखने में सबसे बड़ी है, उसमें सबसे ज्यादा पानी समाया है, जो कि बिल्कुल सही था। अब राजू मीना से पूछता है कि तुम बताओ किस बर्तन में सबसे कम पानी समाएगा। तो मीना देखती है चारों भी बर्तन को और वो कहती है कि मुझे लगता है कि जो पीला मग हमने ग्लास से भरा था उसमें सबसे पानी कम समाया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से गिन भी सकते हैं कि कौन से बर्तन में कितना पानी समाता है, या फिर अंदाजे के जरिए भी बता सकते हैं कि कौन सा पानी ज्यादा और कौन सा पानी कम समाएगा। तो आप भी अपने घर में इस तरह की कोई और चीज लीजिए और समाई कीजिए। शुक्रिया।